आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। ऑस्ट्रेलिया के पीएम संग मोटेरा स्टेडियम पहुंचे पीएम मोदी, खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ ग्राउंड का चक्कर लगाया, दोनों ने अपने अपने कप्तानों को कैप पहनाई। भारत को चमकता सितारा बनाए रखने में प्राइवेट और बैंकिंग सेक्टर का खास महत्व, पीएम मोदी का निजी निवेश बढ़ाने पर जोर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, जेपी नड्डा बेंगलुरु में रोड शो और जनसभा करेंगे, पार्टी का प्लान 5 भी तैयार। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन वाली सरकार को एनसीपी का साथ, शरद पवार ने सीएम ने नेफ्यू रियो को दिया समर्थन, महाराष्ट्र की राजनीति में असर। दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया के बाद अब तेलंगाना की सीएम की बेटी पर शिकंजा, 9 मार्च को ईडी करेगी पूछताछ। भाजपा नेता ने राहुल गांधी की तस्वीर पर ली चुटकी, बोले मानना पड़ेगा अलग लेवल का आत्मविश्वास। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने ध्यान लगाया, आप नेता बोले केंद्र सिसोदिया की राजनीति की हत्या कराना चाहता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दावा, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 140 सीट जीतने का किया दावा। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को बताया खतरनाक, बोले राहुल गांधी देश की एकता के लिए बहुत खतरनाक। तमिलनाडु में 13 नेताओं के पाला बदलने से बीजेपी एआईडीएमके की दोस्ती में दरार, पलानी स्वामी पर लगा गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ेगी यूनेस्को की संस्था, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिक्षा व्यवस्था से जुड़ने में अपनी रुचि जाहिर की। राज्य में समस्याओं को लेकर नागालैंड डिप्टी सीएम का बड़ा बयान, कहा केंद्र और नागा वार्ताकारों में एकमत होना चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री विजयन के पूर्व सचिव की न्यायिक हिरासत 13 दिन बढ़ी, लाइफ मिशन घोटाले में ईडी ने किया था गिरफ्तार। मवेशी तस्करी घोटाला, डॉक्टरों ने अनुव्रत मंडल को बताया फिट, अदालत ने 10 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा। सीएम योगी की मौजूदगी में खिलखिलाए होलिकोत्सव के रंग, होली मिलन में उमड़ा हुजूम, सीएम ने की पुष्प वर्षा। सुल्तानपुर में गोमती नदी में नहाने गए 4 दोस्त डूबे, 3 की मौत, 1 युवक लापता, डीएम ने एसडीआरएफ को बुलाया। मैनपुरी में युवक को गोली मारने का वीडियो, खेत से ट्रैक्टर निकालने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, लाठी डंडे भी चले। प्रतापगढ़ में हादसे में इंजीनियर पत्नी और बेटे की मौत, परिवार में केवल 3 साल की बच्ची बची, लखनऊ से प्रयागराज जा रहे थे।
संभल में आग से 50 लाख की पाइपें जली। हर घर नल योजना के लिए आया था बंडल, 30 मीटर ऊंची उठी लपटी। आठ साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, होली खेलते वक्त घर के बाहर से लापता हुई, फिर खून से लथपथ मिली हरदोई की वारदात। गाजियाबाद में तीसरी मंजिल से गिरा 12वीं का छात्र, फिजिक्स का पेपर खराब होने से तनाव में था, आईसीयू में भर्ती। सहारनपुर में होली में दो पक्षों पर चले लाठी डंडे, रंग डालने को लेकर बच्चों में हुआ विवाद, भाजपा नेता घायल। एसआईटी करेगी बरेली जेल प्रकरण की जांच, अतीक से भाई अशरफ से सप्ताह में 3 बार जेल से मिले थे दुर्गे। हरदोई में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत, ट्रैक्टर और बाइक में हुई टक्कर, एक के हाथ पैर में फ्रैक्चर, मेडिकल कॉलेज रेफर। संभल में सड़क हादसे में किशोर की मौत, होली पर गुजिया के लिए मावाली ने जा रहा था तेज रफ्तार, बाइक ने मारी टक्कर। महाराजगंज में बदमाश व पुलिस की मुठभेड़, दो बदमाशों के पैर में लगी गोली, अवैध हथियार व कारतूस बरामद। झांसी में 60 लाख के डकैती, दंपति के हाथ पैर बांधे, मुंह में कपड़ा ठूसा, बदमाशों ने पति को गोली मारी गन। भदोही में अराजक तत्वों ने तोड़ी अंबेडकर प्रतिमा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लोगों के सहयोग से स्थापित कराई नई प्रतिमा। मेरठ में होली पर दो पक्षों में मारपीट हुआ, पथराव, प्रधान पति समेत आधा दर्जन लोग घायल, बच्चों के रंग लगाने पर हुआ जातीय संघर्ष। बलिया में कुएं में मिला युवक का शव, दुर्गंध से परेशान, लोगों ने दी सूचना, पुलिस ने बाहर निकलवाए, 5 दिन से लापता था युवक। कानपुर के सड़क हादसे में 11 की मौत, 28 घायल, होली में ड्रंक एंड ड्राइव पर ओवर स्पीडिंग बनी मौत की वजह। घंटे बाद भी नहीं मिला लापता बच्ची का सुराग, मेरठ में नाली में रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। फिरोजाबाद में मकान से नकदी और जेवर चोरी, परिवार गया था होली खेलने, चोरों ने घर के गेट की कुंडी तोड़कर वारदात की अंजाम दिया है। कौशाम्बी में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, खिड़की से गिड़गिड़ाती रही पत्नी, हत्या के मामले में हुई थी जेल। हाथरस में मामूली कहासुनी पर युवक ने लहराया तमंचा, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी, होली के दिन दो पक्षों में हुआ था विवाद। संभल में शॉर्ट सर्किट से मोबाइल शॉप में लगी आग, दमकल टीम ने शटर तोड़कर पाया काबू, 20 लाख का हुआ नुकसान। भदोही में सड़क हादसे में 5 लोग हुए घायल, 2 युवक की हालत गंभीर, वाराणसी किया गया रेफर, अलग अलग क्षेत्रों में हुए हादसे। बुलंदशहर में कहासुनी पर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, घटना में करीब एक दर्जन लोग हुए घायल। अमेठी में रंग खेलने के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में हुई व्यक्ति की मौत, मृतक के परिजनों ने हत्या करने का लगाया आरोप।
अलीगढ़ में शराब पीने को लेकर दो पक्षों में जमकर हुआ पथराव, पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बुलंदशहर में दो पक्षों में हुआ जोरदार झगड़ा, झगड़े के दौरान कई राउंड हुई फायरिंग, फायरिंग के दौरान युवक घायल। बाराबंकी में कार की टक्कर में चार किशोरों की मौत, नमाज पढ़कर लौट रहे थे, नशे में धुत कार सवार ने चार को रौंदा। कन्नौज में होली मनाने घर आए युवक को दबंगों ने घेरकर मारी गोली, युवक की हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। संभल में दो पक्षों के अलग अलग समुदाय के लोगों में हुआ विवाद, मारपीट में दोनों पक्षों से तीन लोग हुए घायल। नितिन गडकरी से ऋषिकेश पेयाने की मुलाकात, कहा राजमार्ग की स्थिति जानने सड़क मार्ग से आया हूं। उत्तराखंड के रानी पोखरी में गन्ने के खेत में लगी भीषण आग, घंटों मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने पाया काबू। उत्तराखंड के शिवपुरी गंगा घाट पर नहाते समय बहे बीटे के दो छात्र होली के दिन आए थे देहरादून से घूमने। उत्तराखंड में होली पर गाड़ी को लेकर हुए विवाद के बाद कनखल में युवकों के बीच हुई तलवारबाजी, तीन बुरी तरह से हुए घायल। उत्तराखंड में छोटे भाई ने लगाई फांसी, खबर सुन बड़े भाई को आया हार्ट अटैक, एक के साथ दो मौत, परिवार में मातम। उत्तराखंड में बारिश न होने से नदियों में घटा पानी, बिजली का उत्पादन भी गिरा, यूपीसीएल की बड़ी चिंता। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में विदेशी पर्यटकों ने जमकर होली का रंग किया, ड्रम थाप पर भी जमकर झूमे। उत्तराखंड में होली खेलने के बाद सहेली को छोड़ने जा रही युवती की स्कूटी में कार ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर शराब पीने के दौरान साथी ने मारी युवक के पेट में गोली, मेडिकल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के रुड़की में संदिग्ध परिस्थितियों में शख्स की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कंझावला जैसी दरिंदगी, पहले स्कूटी को मारी टक्कर और फिर रौंद कर निकल गई एसयूवी। उत्तराखंड में जन औषधि दिवस पर सीएम धामी की घोषणा, सभी मेडिकल कॉलेजों में खुलेगी कैथ लैब। होली के रंग में रंगा उत्तराखंड, खूब उड़ा अबीर गुलाल, लोगों ने पहाड़ी गीतों पर ढोल की थाप पर जमकर किया नृत्य। चारधाम यात्रा के यात्रा काल में सजा रहेगा केदारनाथ मंदिर, 30 क्विंटल से अधिक फूलों से होगी सजावट। उत्तराखंड में भोटिया जनजाति के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी, टिप्पणी लिखने वाला शख्स गिरफ्तार। डब्ल्यूएचओ ने अपने रीजनल डायरेक्टर ताकेशी कसाई को किया बर्खास्त, कर्मचारियों पर नस्लीय टिप्पणी का आरोप।
पाकिस्तान के लाहौर में इमरान खान के समर्थकों पर पुलिस ने दागे आंसू के गैस की गोली, एक ही मौत, एक कई कार्यकर्ता गिरफ्तार। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, क्रिप्टो करेंसी चुराकर परमाणु बम बना रहा किम जोंग उन। घटती आबादी से परेशान चीन ने महंगी शादियों पर लगाई रोक, बिना शादी के बच्चे भी पैदा करने की मंजूरी दी। चीन के जुल्म झेल रहे उइगुरों की आवाज उठाने वाली संस्था नोबेल पुरस्कार के लिए नामित, जिनपिंग सरकार भड़की। पाकिस्तान में हिंदू डॉक्टर की हत्या, स्किन स्पेशलिस्ट के होली खेलने से नाराज था ड्राइवर, गला रेत कर मार डाला। वुमेन्स डे पर भारतीय महिला डिप्लोमेट का पाक को जवाब, बिलावल ने कश्मीर मुद्दा उठाया रुचिरा, बोली इस पर बात करना भी फिजूल है। जॉर्जिया में एनजीओ मीडिया ग्रुप्स पर प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन, अमेरिका बोला इससे अभिव्यक्ति की आजादी छीनेगी। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन, 128 साल की थी साउथ अफ्रीका की जोहाना माजीबुगो। यूएन चीफ का यूक्रेन दौरा, क्यों में जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे, ग्रेन एक्सपोर्ट स्कीम जारी रखने पर एग्रीमेंट मुमकिन। अडानी ग्रुप के देश में से 6 शेयर्स में तेजी, फ्लैगशिप कंपनी एंटरप्राइजेस को शेयर 3% गिरा, सेंसेक्स में भी गिरावट। इंस्टाग्राम डाउन होने से यूजर परेशान, एक्सेस करने में आ रही परेशानी, कंपनी का अब तक कोई बयान नहीं सामने आया। गूगल के कर्मचारियों को एक और झटका, प्रमोशन में कटौती करेगी कंपनी, जनवरी में की थी 12,000 कर्मियों की छंटनी। सनराइज ऑरेंज कलर के साथ रेडमी 10 भारत में लॉन्च, 6.7 इंच का एचडी डिस्प्ले और 6000 mAh बैटरी, कीमत 9,299 रुपए। एलन मस्क ने पूर्व कर्मचारी ट्विटर पर मांगी है माफी, बिना बताए नौकरी से निकालने के बाद उड़ाया था मजाक। सरकार की डिजिटल संपत्तियों पर रहेगी कड़ी नजर, क्रिप्टो करेंसी पर मनी लॉन्ड्रिंग प्रावधान लागू। ट्विटर पर अवैध कंटेंट को मॉडरेट करने के लिए करीब फैक्टर चेकर्स की भर्ती, यूए की एलन मस्क को चेतावनी। एसबीआई को थर्ड एटीआई वन बॉन्ड से मिला बड़ा फंड, जुटाए 8.25% कूपन दर पर 3,717 करोड़ रुपए। घर खरीदारों को मिलेगी राहत, जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण को एनसीएलटी ने दी मंजूरी। एक साल में तेजी से बढ़ा यूपीआई ट्रांजैक्शन, आरबीआई गवर्नर ने कहा डेली यूपीआई ट्रांजैक्शन 50% से बढ़कर 36 करोड़ के पार पहुंचा। गुजरात जायंट्स की कप्तान बेथ मूरी डब्ल्यूपीएल से बाहर, ने राणा करेंगी कप्तानी, गॉर्डन उप कप्तान बनी। दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार शुरुआत, पहले दिन 7 विकेट पर बनाए 311 रन, मार्कम शतक से चूके।
गौतम गंभीर का बड़ा बयान, बोले डीआरएस के कारण स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा। चालीस रन बनाने के बाद भी हार गई बाबर आजम की टीम, जेसन रॉय ने 63 गेंद पर 145 रन जड़ा, क्रेटा ग्लेडिएटर्स को जिताया। रिकी पोटिंग का सूर्य कुमार यादव पर बड़ा बयान, कहा वह जल्द टेस्ट मैच खेलते नजर आएंगे। WPL में लगातार तीसरा मैच हारा बेंगलुरु, गुजरात जायंट्स 11 रन से जीता, सोफिया डंकली ने जड़ी लीग की फास्टेस्ट 50। इंदौर के बाद अहमदाबाद की पिच चर्चा में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बोले, मैच से 48 घंटे पहले भी नहीं पता मुकाबला किस पिच पर होगा। WPL को सबसे ज्यादा कमाई वाली लीग बनाने की तैयारी, ब्रॉडकास्टर्स ने 10 बड़ी कंपनियों के साथ की है स्पॉन्सरशिप की डील। जसप्रीत बुमराह की पीठ की सर्जरी कामयाब, न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च अस्पताल में हुआ ऑपरेशन, 24 हफ्ते बाद कर सकते हैं वापसी। WPL में दिल्ली की लगातार दूसरी जीत, यूपी वॉरियर्स को 42 रन से हराए, लीग के पहले शतक से चूकी दाहलिया बैकर का। नहीं रहे अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक, 66 साल की उम्र में ली आखिरी सांस अनुपम खेर, बोले तुम्हारे बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। नवाजुद्दीन का एक्स वाइफ से झगड़े का ऑडियो वायरल, पूर्व पत्नी आलिया ने कहा तुम्हारे मैनेजर ने बेटी को बुरी नीयत से गले लगाया। मनाली पहुंचे एक्टर अरबाज खान, ताज बड़ागढ़ रिजॉर्ट में भव्य स्वागत, कल से होगी फिल्म की शूटिंग। साउथ की सिनेमा की तुलना पर भड़के रणबीर, बोले आपको फिल्में नहीं देखना तो मत देखो, मेरे पेट पर क्यों लात मार रहे हो। चंद्रमुखी 2 के सेट पर कंगना रनौत ने मनाई होली, शेयर किया वीडियो, दौड़ दौड़ कर क्रू मेंबर्स को लगाया रंग। सतीश कौशिक के प्रत्येक गांव में शोक की लहर, गर्मियों की छुट्टी में आते थे, महेंद्रगढ़ सरकार ने से एक दिन की दिलवाई थी 1 करोड़ की ग्रांट। सतीश कौशिक के निधन पर भाव के पर अनुपम खेर, बोले अपनी दोस्ती पर बात करूंगा तो 25 दिन बीत जाएंगे। वायरल हुआ उर्वशी का होली डांस, होली पार्टी के बाद टूटी चप्पल, फैंस बोले लगता है भांग ज्यादा हो गई है। सामंथा ने शुरू की खुशी की शूटिंग, विजय देवरकोंडा और टीम ने सरप्राइज देकर किया एक्ट्रेस का स्वागत। सतीश कौशिक की मौत पर हंसल मेहता ने जताया दुख, एक्टर के साथ बनना चाहते थे डेथ ऑफ ए डायरेक्टर। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।